इलेक्शन कमीशन की कमजोरी है कि वो लगातार जो मॉरल कोड ऑफ कंडक्ट को वायोलेट किया जा रहा है प्राइम मिनिस्टर के तरफ से और बीजेपी के कुछ सीनियर लीडरों के तरफ से, उसमें वो कोई कार्रवाई नहीं कर रहे। अब छोटे छोटे मामलों में आपने कुछ लोगों को कैंपेन से सस्पेंड किया है, कुछ को एक दिन, दो दिन, तीन दिन, लेकिन यहाँ पे बार बार जो है प्राइम मिनिस्टर के तरफ से या तो मजहब का इस्तेमाल हो रहा है कैंपेन में या नेशनल सिक्योरिटी का इस्तेमाल हो रहा है या हमारी जो फोर्सेस की कैजुअल्टीज का इस्तेमाल हो रहा है। हम उम्मीद कर रहे हैं कि इलेक्शन कमीशन अपने बातों से नहीं बल्कि अपने एक्शन से ये साबित करे कि दे आर इंडिपेंडेंट एंड इम्पार्शियल। उमर साहब नहीं उसको उमर साहब टुडे इलैबोरेट किया अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में। उमर साहब टुडे इज द लास्ट डे ऑफ द कैंपेन, व्हाई डू यू फाइंड नेशनल कॉन्फ्रेंस इन साउथ कश्मीर? अब हम एक अच्छी पोजीशन में हैं, जितना ज्यादा लोग इस इलेक्शन में हिस्सा लेंगे उतना ज्यादा मुझे लगता है कि हसनैन मसूदी साहब न सिर्फ जीतेंगे बल्कि एक अच्छे मार्जिन से जीतेंगे। लोगों में एक नाराजगी है पिछले पांच साल को लेके, लेकिन उसके साथ साथ लोग कुछ हद तक इस बात से भी मुतमईन नहीं है कि कांग्रेस में एक आदत है यहां के लीडरों को यहां के फैसले करने की इजाजत नहीं है। मैंने खुद कांग्रेस के साथ छह साल हुकूमत की है और हमने अक्सर नहीं हर बार ये पाया है कि मामूली से मामूली फैसले के लिए उनको दिल्ली जाके इजाजत लेने की जरूरत पड़ती है। हमारा जो नुमाइंदा है, हमारा जो इंशाल्लाह मेंबर पार्लियामेंट बनेगा, उनको दिल्ली की आवाज नहीं सुननी होगी, उनको यहां तक के नेशनल कॉन्फ्रेंस की क्यादत की भी आवाज नहीं सुननी होगी, उनको सिर्फ और सिर्फ जम्मू कश्मीर के आवाम की आवाज सुननी होगी और उस आवाज की वहां पर तर्जुमानी करनी होगी। मैं उम्मीद करता हूं कि जम्मू कश्मीर के लोग और आज जो हम इस इलेक्शन की बात कर रहे हैं जनूबी कश्मीर के लोग जो हैं वो नेशनल कॉन्फ्रेंस के सबसे बेहतरीन उम्मीदवार को कामयाब करेंगे यहाँ से। तो क्या स्ट्रेटजी है? अब उस कैंपेन का कितना असर वोटर टर्नआउट पे पड़ता है वो देखना होगा, क्योंकि इससे पहले भी शुमाली कश्मीर में कैंपेन तो ठीक रहा लेकिन जिस अंदाज से हम सोच रहे थे वोट पड़ेंगे, वोट पड़े नहीं, और बिल्कुल वही हाल श्रीनगर पार्लियामेंट सीट का भी रहा। अनंतनाग इलाके में कुछ हद तक खौफ डालने की कोशिश की गई लेकिन उम्मीद करते हैं कि वोटर जो है बहादुरी से बाहर आते, क्योंकि वोट ना डालने का फायदा जो है आरएसएस और बीजेपी की तरह जैसे उनको मालिक बनाया गया ताकि हर गुजर कुंभे को उसी तरह मालिकाना हुकूक दिया जाए। यह मैं जनाब यही गुजारिश करूंगा कि आज अताब साहब से भी मैं गुजारिश करूंगा, हमारे गुजर पहाड़ी बहुत मुसीबत में है, सबसे बड़ी मुसीबत जो है वो जंगलात की तरफ से है। आज तक हमारी कौम उसी जगह थी जहाँ शेख साहब ने छोड़ी थी। शुक्रिया अदा करता हूँ अपनी और अपनी कौम की तरफ से, पानी बिजली हमारे इलाकों में पहुँचाई है और इंशाल्लाह आगे भी हम कोशिश करेंगे, आगे भी हम